लो जी, होगी लड़ियां पूरी है। ये पगड़ी वाला बैग ठीक है, तीसरा ये, अबे चौथा बैग किधर है? ओए त्यान यार, क्या करते रहते हो? क्या कर रही है कमली, ढंग से पकड़ना इसको, आएगी क्या? वो नाक पे मक्खी आ गई थी अमित भाई। तू नाक छोड़ो, ये पकड़। हाँ। ना फूल दे। ये लीजिए। हाँ। इसे भी अलग कर दीजिए और इसको भी रख दीजिए। अरे आप रहने दीजिए ना, कमली कर लेगी। एक ही बात है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मान थोड़ना है। आ जाओ प्लीज। ये देखो गुनीत जी। हाँ जी। ये सारा दिन क्या बही खाता लेकर बैठे रहते हैं साहब? ये छोड़। अरे वहां समधी जी को आपने ऊपर चढ़ा दिया माला लगाने में। ओए शर्म नहीं आती तुझे? हाँ? ये ओ कुलजीते, मैं तेनू क्या सी ना, मैं कर लेता हूँ ये सारा काम लड़ियों वाला। अब देख ये डांट पड़ गई नहीं मुझे से मुझे तो ये कौन सी नई बात है पाजी, डांट खा लो इसका अपना अलग ही मजा है। कुलजीत भाई साहब आप नीचे आ जाओ, गुनी जी नु कर लेन दो। अब पर जाए जी, करके सारे बंदे मिल के काम कर रहे हैं, मैं के करके बाहर का बंदा हूँ। हद हो गई बीजी, डोंट डिस्टर्ब। हां ओ पीला वाला देख, पीला वाला बेटा, पीला वाला। क्या हंसे हो, बूढ़ा वो कहां है भाई? बूढ़ा जी तो अकेले लगे पड़े हैं, छत और सीढ़ी की जिम्मेदारी खुद ली है उन्होंने। वो देखो नाक कैसे। जिस तरह से लगा रहे हैं ना पापा जी, उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि हफ्ता 10 दिन लग जाएगा पूरा हो जाने में। ये क्या कर रहे हैं आप, रहने दीजिए ना, अंगद कर लेगा। अंगद और कबीर भी तो आ रहा है जल्दी ऑफिस से। अरे नहीं भाई, तेरे ससुर ने ना मुझे चैलेंज दिया है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, और देखना मैं करके दिखाऊंगा। हाँ हाँ देखते हैं क्या कमाल करते हैं आप। ओ पापा जी आप तो मैं जब उठे। हाँ मैं कल्ला कर लूंगा। शाबाश। अरे अमृता ये बैग तो एक भी बार खोल के नहीं देखा, एक बार देख तो ले क्या लेके आए तेरी गोद भराई के लिए। हाँ मैंने देखा ही नहीं। एक बार देख लेगी ना तो तसल्ली हो जाएगी, कुछ कम होगा तो तेरे पापा यहीं से आज ले आएंगे। मम्मा कुछ कम तो होगा ही नहीं, लाइए दिखाइए। जैसे ही जिप खुली वैसे ही खेल खत्म होने का खेल शुरू। बूम। अरे नीचे देख के फूल है। मैंने तो मेन गेट से हटवाई है ना इसको। हट जाएंगे अभी, आप साइड से जाइए। अरे प्रीतु, अच्छा ये लड़ी उठा दे, बड़ा टाइम पे आया तू, उठा लड़ी उठा दे। ले ले ला, नहीं एक काम कर, तू लपेट भी दे। हाँ जी। हाँ लपेट दे ना, ये ले मैंने पूरा नाप के कर रखा सब, देख बना दू निशान लगा दे। तो वो इंटेलिजेंट आदमी है अपने नाप पे लग। ये भी रख, एक काम कर ये भी रख, मैं और लेकर आता हूँ, लगा लगा। देखिए अमृता आके सामान देख लेना। अब वो क्या कर रहा है भाई? हाँ एक बार सामान देख लेती ना तो तसल्ली हो जाती मुझे। ओए देख क्या रहा है यार, कुलजीत और अंगद के साथ मेरा कंपटीशन चल रहा है कि पहले कौन दिखाएगा। चल चल टाइम बर्बाद ना कर, लगा लगा जल्दी लगा। मैं क्यों लगाऊं? मेरा काम है क्या ये? आपके घर का फंक्शन है आप लगाइए। ओए की गल है काका, इतनी तैश में क्यों बात कर रहा है? अब पापा जी ने प्यार से कहा है, प्यार से जवाब दे दे, नहीं कर रहा तो मत कर। तो मैं मरा जा रहा हूं क्या करने के लिए? ये पीछे पड़े ना जबरदस्ती। बात सुन, कोई बात तुझे परेशान कर रही है क्या?
प्रीतम तुम जाओ यार। दादाजी क्या बार बार उसके पीछे लग जाते हो, छोड़ दो। दादू आप मुंह क्यों लगाते हैं इन्हें? You know, thank you very much. यही बात मैं बहुत दिनों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप सबको। मैं किराए पे रहता हूँ यहाँ पे, सिर्फ किराएदार हूँ। मैं आपकी फैमिली का मेंबर नहीं, और यहाँ कोई भी मुझे इस फैमिली का मेंबर बनाने की कोशिश ना करे। कौन बना रहा है तुम्हें फैमिली मेंबर? इंसानियत के नाते बात करते हैं सब तुमसे, लेकिन तुम क्या जानो इंसानियत? अमृता पुत्र तू रहने दे, हम बात करते। नहीं मम्मी जी, बहुत सुन ली इस आदमी की बकवास। हम प्यार पे प्यार दिए जा रहे हैं और ये आदमी कभी भी कुछ भी बोल देता है, ना उम्र का लिहाज करता है और ना किसी रिश्ते की परवाह है। मैंने कब किससे बदतमीजी की? खुद आया हूं कभी किसी की शिकायत लेके? हो प्रीतम आवाज नीचे है, बस बहुत हो गया यार, इस तरह से नहीं चलेगा तुम्हारा हमेशा। गल सुनो मुंडिया, ठंड रख जरा। हम शरीफ लोग हैं पर हमारी भी इज्जत है, और हमारे पिंड में कोई ऐसी ऊंची आवाज में बात करे ना तो जुबान खींच लेते हैं उसकी। बात आप मुझे धमकी दे रहे हैं? ओह नहीं नहीं तेरी ये इनका स्टाइल है, बुरा ना मान। ओए धमकी दे रहे हैं तुम्हें? शराफत से रहना है तो रहो, वरना निकलो यहां से। और अगर आज के बाद किसी से भी तुमने बदतमीजी से बात की है ना, तो मैं खुद यहां से तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी, समझे तुम? बेटा शांत हो जा। अरे पुत्र तू क्यों अपनी तबीयत खराब कर रही है? निमो ले जा इसको अंदर। नहीं दादाजी, अरे बहुत हो गया, अरे बात ही क्यों करते आप इससे? ये है कौन? क्या लगता क्या है हमारा? किराएदारी है ना, तो बस आज के बाद इस आदमी से इस घर में कोई बात नहीं करेगा। और मेरी गोद भराई की रस्म में भी ये आदमी कहीं पे भी आसपास भी नहीं दिखना चाहिए, वरना मैं यहां से चली जाऊंगी। मुंह क्या देख रहे हो मेरा? जाओ मेरे सामने से। देखिए आप गलत समझ रही हैं। अंगद हटाओ इस आदमी को मेरे सामने से। प्रीतम तुम जाओ यार। जाओ ना। ओ भाई अमिता पुत्र बस इतना गुस्सा ना किया कर। बस बस क्या किया मैंने, मेरी वजह से। पाजी दफा करो इसके राहदार को, तेने क्या कर ली इस मुंडे में? आप जैसे लोगों के साथ रहने का लायक ही नहीं है मुंडा। तुम अंदर जाओ यार, जो करना था कर चुके तुम, प्लीज। अरे छाड़ ना सोनी, अरे बाहर में जाए वो किराएदार। और वैसे भी दादाजी को कितनी बार बोला है कि उसके पीछे ना पड़ा करें, लेकिन मानते ही नहीं है। अब तू मत मेरा दिमाग खराब कर यार।
अरे हाँ देख तो रहा हूँ यार ऑनलाइन सब कुछ। अरे भाभी की गोद भर आई है, सब कुछ अच्छे से सजाएंगे। हाँ ठीक है चल घर मिलता हूँ भाई। ओ मीरा मैडम आज तो आपने तो आज कमाल कर दिया है, बॉस को लूज मोशन वाली कॉफी पिला के। तू ना ज्यादा बकवास मत कर, वो कॉफी तेरे लिए थी। हाँ लेकिन पी तो बॉस ने है ना, सब जानता हूँ मैं, वो जतिन ने सब बता दिया मुझे। शट अप, वो झूठ बोल रहा है। वो चल अब ये बात तो सर तक जाएगी। ओए झगड़ा तेरे और मेरे बीच है ना, तो तू बॉस को क्यों इन्वॉल्व कर रहा है? अरे सर तो इन्वॉल्व हो गए हैं, मीरा बेचारा 2 घंटे से टॉयलेट में बैठा है, अब तो निकल ठीक है। अब भाभी की गोद भराई के फंक्शन के लिए मुझे थीम सिलेक्ट करना है, और ये बात ना बॉस को बाद में बताऊंगा मैं। गुड बाय। ओए तो ये डिजाइन देख रहे हैं भाभी की गोद भराई के लिए? Ew, तेरा टेस्ट कितना खराब है, so tacky. अच्छा नहीं लग रहा तो तू सजेस्ट कर दे। मिले? I can suggest. अगर तू बॉस को ना बताए तो देख ले, एक ऐसे साइट बताऊंगी ना जहाँ पे एक झटके में तेरा काम हो जाना है। ठीक है भाभी के लिए भी सही बता दे। ये देख ये तो खजाना है, अब मजा आएगा इवेंट में है ना। और ही तो क्या, अमृता भाभी की गोद में आई है यार, शानदार होनी चाहिए। और ही तो क्या। भाभी ने बताया मुझे हॉस्पिटल के बारे में? तूने किसी लॉन्डी को चमाट मार दी ना। यार बहुत अच्छा लगा, पता है एटलीस्ट भाभी की तो वैल्यू करती है तू। मुझे पता है भाभी तुझे ना बहुत मिस करती है, और भी लोग करते हैं मिस तुझे। और कौन? दादाजी, बीजी, सोनी और मैं। मैं नहीं करता तुझे मिस। मैं तो तेरी शक्ल रोज देखता हूँ ना ऑफिस में। अच्छा ये बता और क्या क्या होने वाला है भाभी की गोद भराई में? बहुत कुछ होने वाला है, गेम्स, परफॉर्मेंसेस। तुझे पता है दादाजी, बीजी, मम्मा, पापा सब ने स्पेशल परफॉर्मेंसेस प्लान किए। ओए मैं और तू भी एक डांस परफॉर्म करें क्या? तू मेरे साथ डांस क्यों करेगी? तू तो अंगद के साथ करियो ना। वो सॉरी यार मैं भूल गया था कि अंगद भी तुझसे नाराज है। वो लेकिन तू टेंशन ना ले हैं, भाभी की गोद भराई में आएगी ना तो सब सही हो जाएगा। अरे यार मैं ठीक कर दूंगा ना सब कुछ। तू एक काम कर, तू ना अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ना एक डांस परफॉर्मेंस प्लान कर ले ठीक है। भाभी का फंक्शन है, पक्का मम्मी भी पिघल जाएगी, भाभी को भी बहुत अच्छा लगेगा। अद्वितीय, डायरेक्टली तो बोला भी नहीं मैंने कुछ, लेकिन इतना बुरा मान गई वो। क्या करूं मैं, हाँ रेलिंग पे फूल लगाऊं, सीढ़ी पे चढ़ के कीले ठोकूं, अरे रेंट पे रहने आया हूं। लेकिन नहीं, कल को कहेंगे कि जाके दूध ब्रेड भी ले आओ पुत्र। 100 बार समझा चुका हूं कि भाई मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन नहीं, प्रीतम पुत्र चाय पी लो, प्रीतम पुत्र ये कर लो, प्रीतम पुत्र वो कर लो। हाथ धोती यार कमाल है, मंसूर अंकल ने भी कहां फंसा दिया मुझको। राठी नंबर सेव है, कहाँ है मेरा बैग? हिफाजत से तो है। फिकर मत कर राठी, बैग सेफ है, तू जगह बोल पहुंच जाएगा। इसका मतलब इसने बैग को हाथ तक नहीं लगाया। कल 10 बजे बैग लेके मेरे ऑफिस आ जाइयो। ठीक है।
जयपात। मैं जानता था राठी के तू ज्यादा वेट नहीं कर पाएगा। अब आएगा मजा, खेल शुरू। आजा आजा, गप्पे शप्पे मारेंगे। आई रामला, शाबाश। आ भाई, आ जी आओ। वाह, नजारे हैं जी, नजारे। क्या बात है। पापा, आजा पुत्र, यहीं बैठते हैं। हाँ, यहीं बैठते हैं ना। तो बैठी नहीं हमारे पास, दो मिनट। आजा। आजा। नीचे चल के बात करते हैं ना पापा। वो यहाँ क्या, वो किरायेदार? अच्छा, तो उसको उसके डर से क्या हम छत पे भी ना आए? नहीं, इस बार उसने कुछ बोला ना, गर्दन मरोड़ देनी उसकी तेरे पापा ने। वैसे भी लाइट ऑफ है, मुझे तो लगता है अब तक सो गया होगा। हाँ मम्मी, लेकिन वो हमारी बातें तो सुन सकता है ना। मेरे कमरे में चलकर बैठते हैं। वैसे ही बैठ जाना पुत्र, हमेशा नीचे कोई ना कोई आ ही जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं हम लोग। मैं अपने मम्मी पापा के साथ बातें कर, जमाना हो गया तेरे साथ बातें किए हुए। सबकी नजर में विलन बन गया, इन्हें अपनी गलती नहीं दिखती। और पुत्र कैसी है? ठीक ही हूँ पापा, बस भली चंगी। ओहो, ये तो हो गई सकुजा परिवार की बहू की बात। अब ये बता कि हमारी वाली अमृता कैसी है? आपकी वाली? हाँ पुत्र, हमारी वाली अमृता, वो जो हर पल हंसती थी, चहकती थी, चुलबुली अमृता, बात बात पे सबके साथ लड़ जाने वाली अमृता। क्या कहते थे मोहल्ले में सब, लड़ाकी अमृता। हाँ तो आज भी लड़ाई की ना उस किराएदार के साथ। अरे हम तो उस अमृता को ढूंढ रहे हैं जो शरारतें करती थी, हंसी मजाक करती थी। वो तू तो हवाओं के खिलाफ दौड़ने वाली कुड़ी थी। बस सुनो, याद है 18 साल की हुई थी जब मैं नवा स्कूटर लेता सी। ओए होए, उस दिन को तो जी मैं कभी नहीं भूल सकती। नया नया स्कूटर पहले दिन चुरा के ले जाके पुलिस के जेब में ठोकरी दी और ऊपर से पुलिस वाले से झगड़ा कितना किया था तूने। अरे तो मम्मी, गलती पुलिस वाले की थी, वो रॉन्ग साइड से आया था पापा। बाप रे, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। और क्या कहा था तूने उस पुलिस वाले से? बताओ। बोल बोल बोल। ओ सर जी, आप ना पहले मेरी कंप्लेंट लिखो जी। एक पुलिस वाला रॉन्ग साइड में अपनी गड्डी चलाकर मेरी गड्डी ठोक के गया। मेरी गड्डी नहीं थी जी। हाँ, कॉम्पेंसेशन चाहिए मैनु। और मेरे पापा जी से आकर ये भी कहना पड़ेगा कि गलती तो आप ही की थी, वरना मेनू डांट पड़ जानी है पापा जी की। बड़ी मुश्किल से केस रफा दफा कराया था, और मैडम जी सॉरी बोलने के लिए तैयार ही नहीं बिल्कुल। ओ, ये मैडम जी सॉरी कैसे बोलती? अरे ऊपर से पुलिस वाला ही हाथ जोड़ के गया था कि चोपड़ा साहब संभालो अपनी गुड़ी को। मैडम जासूस डाकू हसीना थी पहले। पहले तो मेरे साथ भी कितना लड़ती थी, याद है? पर अब तो लड़ती नहीं, न गुस्सा न शिकायत। आपसे क्या शिकायत करूं पापा? छीना तो ऊपर वाले ने है। तो ऊपर वाले से ही शिकायत कर ना पुत्र। पहले जब तू वाहेगुरु से नाराज हो जाती थी तो आसमान पे पत्थर फेंकती थी। कहती थी जाओ वाहेगुरु जी, मैं बात नहीं करूंगी आपसे। और अब तो इतनी छुप के हो गई है बच्चे। वाहेगुरु से कोई शिकायत होती ना जरूर फेंकती आसमान में पत्थर, पर मुझे मेरे करण पे गर्व है पापा। मेरा करण बेमकसद नहीं गया। कुछ करके गया है, लोगों की जानें बचाते हुए, बल्कि मैं तो खुश हूं
कि वाहेगुरु ने मेरे करण की मौत को भी एक मानी दे दिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।